नमस्कार दोस्तों, रणबीर कपूर की एनिमल रिलीज हुए आज एक हफ्ता हो गया और इस मूवी ने पूरे देश में अर्जुन वैली मचा तबाही मचा रखी। याद नहीं आता कि लास्ट टाइम किस हिंदी फिल्म की लोगों ने इतनी ज्यादा चर्चा की और डिस्कशन किया हो, घर ऑफिस सोशल मीडिया यहां तक कि पार्लियामेंट में भी इसी मूवी की बात हो रही। सेंसर बोर्ड ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा कैसे दे रहा है, जहां देखो फिल्म के फैंस और हेटर्स भिड़े पड़े हैं। जिन लोगों को फिल्म पसंद आ रही है उनके हिसाब से आज तक इंडिया में ऐसी फिल्म बनी नहीं है। उनकी माने तो ये फिल्म पाथ ब्रेकर है, ट्रेंड सेटर है। इस फिल्म के जरिए इसके राइटर डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी ने जो बार रेज किया है उससे आने वाले टाइम में हिंदी फिल्म मेकिंग हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी में एक बहुत बड़ा सेक्शन भी है जिसके पास फिल्म से जुड़ी शिकायतों की लंबी लिस्ट है। इतनी लंबी लिस्ट कि अगर वो उसे पढ़ने लगे तो लिस्ट खत्म होने तक एनिमल का सीक्वल भी रिलीज हो जाएगा। उनके हिसाब से ये फिल्म टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करती है। ये फिल्म ऐसे अल्फा मेल को दिखाती है जो औरतों को मर्दों से कम समझता है, अपनी बहन से लेकर बीवी तक किसी की राय की परवाह नहीं करता। उस मर्द को लगता है कि वो मर्द है तो वो औरतों से बेहतर है। इन लोगों के हिसाब से फिल्म का राइटर डायरेक्टर दिमागी तौर पर बीमार है, तभी उसने ऐसी पिक्चर बनाई है। इनकी शिकायत है कि ऐसी फिल्में देखकर आज के लड़के और ज्यादा बिगड़ जाएंगे, सोसाइटी में औरतों के खिलाफ वायलेंस बढ़ेगी। फिल्म में जिस तरह सेक्स को दिखाया गया है वो भी बहुत लोगों को पसंद नहीं आया है। उनके हिसाब से ऐसी फिल्मों का बॉयकॉट होना चाहिए। अब जब फिल्म पर लोगों के इतने डिवाइडेड ओपिनियन है तो मुझे लगा कि इस पर खुलकर डिटेल में बात करते हैं, ओपन माइंड से इसे समझा जाए कि आखिर इशू है क्या। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फिल्म चाहे आपको पसंद आई हो या ना आई हो, अगले 7-8 मिनट इस चीज को भुलाकर खुले दिमाग से ओपन माइंड से इस वीडियो को देखें, फिर उस पर कोई राय बनाएं। क्योंकि ये मानकर चलिए कि अगर इतने बड़े लेवल पर लोग फिल्म देखने जा रहे हैं तो जरूर फिल्म एंटरटेनिंग होगी। और ये भी सच है कि अगर इतने लोग फिल्म के लीड कैरेक्टर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उनके भी अपने ऑब्जेक्शंस होंगे। तो अगले कुछ मिनटों में हम खुले दिमाग से दोनों साइड को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड तक देखेंगे तभी पूरी बात को समझ पाएंगे। और वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। पापा सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। अच्छा, इससे पहले कि मैं एनिमल मूवी पर अपनी कोई ओपिनियन दूं और उस ओपिनियन से आपका दिल जीतूं, आपको बता दूं कि आप लोग भी अपना ओपिनियन देकर लाखों रुपए जीत सकते हैं। कैसे? प्रोबो ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां येस या नो में ओपिनियन देकर ढेर सारे पैसे जीत सकते हो। कई सारी कैटेगरीज, कई सारे सवाल है। जैसे अभी एनिमल से रिलेटेड एक सवाल वहां पर है कि 15 दिसंबर तक 1000 करोड़ के क्लब में ये फिल्म शामिल हो पाएगी या नहीं, येस या नो। क्रिकेट की बात करें तो क्या कल इंडिया साउथ अफ्रीका थर्ड T20 में इंडिया जीत पाएगी, येस या नो। आपकी ओपिनियन अगर सही होती है तो उससे पैसे जीत सकते हो और बड़ी आसानी से वो पैसे विड्रॉ भी कर सकते। इसलिए जल्दी से डाउनलोड करो अपने फोन में प्रोबो ऐप। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि एनिमल को लेकर इतना कलेश काहे मचा हुआ है। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों। एनिमल में रणबीर कपूर का कैरेक्टर क्या करता है, क्यों करता है, उसकी तारीफ या बुराई करने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि उसका वो कैरेक्टर बना कैसे। फिल्म के स्टार्टिंग में एक सीन है जिसमें दिखाया गया कि टीचर क्लास में कुछ सवाल पूछती है। 9-10 साल का रणबीर बड़े ही इंटेलिजेंट तरीके से उस सवाल का जवाब देने लगता है। जवाब सुनकर टीचर भी इंप्रेस हो जाती हैं। तभी वो देखता है कि क्लास के दरवाजे पर उसकी सिस्टर्स आ गई हैं। अपनी बहनों को देखकर उसे अचानक याद आता है कि अरे आज तो पापा का बर्थडे है। वो अपना जवाब बीच में रोककर बहनों के पास दौड़ा चला जाता है। टीचर को इस बात पे गुस्सा आता है, वो उसके हाथ पे छड़ी से पिटाई करती है और उसे क्लास में ही घुटनों के बल बिठा देती है। मगर रणबीर अपने पापा को बर्थडे विश करने के लिए इतना बेसब्र था कि वो बीच क्लास से ही भाग जाता है। घर पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि पापा तो फैक्ट्री में। उसे अपने पापा को बर्थडे विश करने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि वो उनसे मिलने फैक्ट्री चला जाता है। पापा फैक्ट्री में भी नहीं मिलते। 9 साल का वो बच्चा थक हार कर घर पर वापस आता है। उसने अपने पापा के प्रेज में उनके बर्थडे पर एक नोट लिखा था। वो नोट, वो चिट्ठी हाथ में लिए वो बच्चा यानी रणबीर सो जाता है। उसी सीन में रणबीर की माँ अनिल कपूर से यानी अपने पति से कहती है कि बच्चों ने इतना वेट किया तुम्हारा, तुम आज भी उनसे नहीं मिले। He adores you. तुम उसके लिए सुपर हीरो। दिन में 10 मिनट भी नहीं दे सकते अपने बेटे को। ये पहला ही सीन एस्टैब्लिश करता है कि कैसे 9 साल का रणबीर अपने पापा से इतना प्यार करता है लेकिन उसके पापा उसके लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते, वक्त नहीं निकाल पाते। बाप भी बेटे की शिकायत को अच्छे से जानता है मगर बाप का जो मेल ईगो है उसे कभी बच्चे के सामने अपनी गलती कबूल नहीं करने देता। पिता का यही रवैया, यही बिहेवियर बेटे को अंदर से कड़वाहट से भर देता है और वो आगे चलकर एक बिटर इंसान बन जाता है। और लाइफ में भी अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा प्यार करें और वो आपके प्यार की रिस्पेक्ट ना करे तो आदमी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चला जाता है। एक इंसान आपको इग्नोर करके हर्ट करता है और बदले में आप फिर सारी दुनिया को हर्ट करने लग जाते हैं। आपको इस बात की कोई परवाह नहीं रह जाती कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा। आपका दुनिया की नजरों में सही होने की परवाह आप नहीं करते और रणबीर का कैरेक्टर भी फिल्म में ऐसा ही है।
जो बाप के इग्नोर करने से बड़ा होते होते इतना हर्ट हो गया कि गुस्से से भर गया, वो एरोगेंट हो गया। वो अपनी बेसिक एनिमल इंस्टिंक्ट को काबू करना छोड़ देता है। अपने बिहेवियर में वो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करता। वो अपनी मर्दवादी सोच को छिपाने या दबाने की भी कोशिश नहीं करता। वो अपनी बीवी के मुंह पर कह देता है कि मैंने किसी और से सेक्स किया तो क्या हुआ, मगर तुम मत कर लेना, मेरे मरने के बाद तुम किसी से शादी भी मत करना। उसे लगता है कि उसकी बहन को अपनी नहीं बल्कि उसकी पसंद से लड़के से शादी करनी चाहिए थी। उसे गुस्सा आता है और वो भरे फंक्शन में सबके सामने अपने जीजा की बेइज्जती कर देता है। वेल, जो लोग इस बात पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि रणबीर ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, वो अपनी बीवी से ऐसे कैसे बात कर सकता है, अगर वो एक बार रणबीर के कैरेक्टर को समझ लेना तो वो जो कर रहा है वो भी उन्हें समझ में आ जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि इस फिल्म को आप कोई सोशल कमेंट्री मत मानिए। इस फिल्म को ऐसे मत देखिए कि फिल्म वायलेंस को जस्टिफाई कर रही है, मूवी मेल शॉविनिज्म को प्रमोट कर रही है। फिल्म एक ऐसे इमोशनली डिस्टर्ब कैरेक्टर की कहानी है जो सनकी हो गया है, जो निहायत ही अनप्रिडिक्टेबल है, जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में पहुंच चुका है, जो मरने की कगार पर पहुंचने के बाद भी सिगरेट पीना नहीं छोड़ता। अब जिन भी लोगों को रणबीर के कैरेक्टर की बातों से प्रॉब्लम है, अगर वो उस कैरेक्टर को समझ लेंगे तो अपने आप उनको समझ में आ जाएगा कि भाई इस तरह का आदमी तो यही सब ना करेगा। इसलिए फिल्म देखते वक्त आप उस कैरेक्टर को देखिए, न कि ये मानकर चलिए कि बड़े पर्दे पर कोई समाज सुधारक आ गया है जिसे अपनी हरकतों से राष्ट्र के नाम संदेश देना है। कम ऑन। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि मूवी में रणबीर का कैरेक्टर औरतों के खिलाफ है, मैं उनसे भी टोटली अग्री नहीं करता हूं। क्यों? आपको याद होगा मूवी का एक सीन जब रणबीर की बीवी के पेरेंट्स उसके घर आते हैं और उन्हें यह लगता है कि कहीं रणबीर उनकी बेटी को परेशान तो नहीं कर रहा है। उसकी वाइफ यानी रश्मिका रणबीर को डिफेंड करते हुए क्या कहती है कि उससे ज्यादा प्यार मुझे दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। 7 सालों तक वही मेरा दोस्त भी था, मेरी माँ भी, मेरा बाप भी। प्रेगनेंसी में उसी ने मेरी उल्टियां तक साफ की हैं और कभी चूं तक नहीं की। यही रणबीर का कैरेक्टर अपने बॉडीगार्ड्स को दूसरी लड़कियों के साथ देखकर भड़क भी जाता है। वो खुद अपनी वाइफ के लिए लॉयल है और चाहता है कि दूसरे भी रहें, मगर फिर जब वो इंजर्ड हो जाता है, फिर से सनक जाता है, तो एक ऐसी लड़की यानी जोया से रिलेशन बना लेता है, मगर जल्दी उसे गलती रियलाइज होती है और बीवी के सामने कन्फेस भी कर देता है। यही रणबीर कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर अपनी बहन को छेड़ने वाले लड़कों को मारने के लिए गन लेकर कॉलेज भी चला जाता है। अगर वो सच में मेल शॉविनिस्ट कैरेक्टर होता तो कभी बीवी से कमिटमेंट की बात नहीं करता, दूसरों को अय्याशी करता देख उन्हें टोकता बिल्कुल नहीं। बहन को छेड़ने वालों को धमकाने के बजाय वो अपनी बहन से कहता कि लड़कियों को पढ़ने की क्या जरूरत है, कॉलेज क्यों जाती है, वहां जाओगी तो ये सब तो होगा ही। इसलिए ये कहना है कि रणबीर का कैरेक्टर औरतों की इज्जत नहीं करता या उन्हें वैल्यू नहीं देता, ये गलत है। वो अपने बिहेवियर में इनकंसिस्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि औरतों का दुश्मन है, लेकिन रणबीर का यही इनकंसिस्टेंट और अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर आपको एंटरटेन कर रहा है, और कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? पर तुम लंबे बालों में भी अच्छे लगते हो। I'll grow it again, Papa. भैया, सिनेमा का मतलब ही एंटरटेनमेंट होता है। अगर मैं आपको ऐसी मूवी दिखाऊं जिसमें मैसेज तो बड़ा हो लेकिन वो एंटरटेनिंग ना हो तो क्या आप देखने जाओगे क्या? 3 घंटे लगाकर अगर आपको कोई मैसेज ही लेना है तो आप YouTube पर जाकर किसी मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देखोगे। सिनेमा आप देखने जाते ही इसलिए हो क्योंकि आपको एंटरटेन होना है, और ये फिल्म 100% एंटरटेन करती है। मैं वादा करता हूं अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। इसलिए जो लोग बार बार रणबीर के कैरेक्टर की मोरालिटी जज कर रहे हैं, मैं उनसे भी अग्री नहीं हूं। अरे भैया, सिनेमा का काम है आपको अलग अलग कहानियां दिखाना, अलग अलग कैरेक्टर दिखाना। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हीरो या मेन कैरेक्टर हमेशा सर्वगुण संपन्न ही होना चाहिए? वेल, इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म किसी रेपिस्ट को हीरो दिखाकर उसे जस्टिफाई करे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और रणबीर का कैरेक्टर ऐसा है भी नहीं, वो तो हर वक्त अपनी फैमिली के साथ खड़ा होने वाला बंदा है। वो बाप से प्यार करता है, अपने बच्चों से प्यार करता है, अपने उन रिश्तेदारों से भी प्यार करता है जिसे उसके घर वाले छोड़ चुके हैं। उसे बात भी नहीं करते उन रिश्तेदारों से, उनसे भी अपना संबंध बनाता है, अपनी बीवी से भी बेइंतहा मोहब्बत करता है। लेकिन उसी कैरेक्टर का एक इंटेंस साइड है, तो भैया उसे एक्सेप्ट करो। जब वो कैरेक्टर ओवरऑल हम सबको एंटरटेन कर रहा है, सरप्राइज कर रहा है, शॉक्ड कर रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? भाई फिल्म का ही तो कैरेक्टर है। मुझे याद है जब डर मूवी आई थी और किसी ने शाहरुख खान से उस टाइम पूछा था कि आप मूवी में ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो अपनी प्रेमिका की शादी के बाद भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो क्या इससे सोसाइटी में गलत मैसेज नहीं जाएगा? तो शाहरुख खान का रिप्लाई था कि भैया मैं एंटरटेनर हूँ, समाज सुधारक नहीं। फिल्में आखिर वही तो दिखाती हैं जो समाज में है। हम में से ज्यादातर लोगों ने ब्रेकिंग बैड सीरीज देखी होगी। ब्रेकिंग बैड सीरीज को मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन सिनेमा या आर्टवर्क माना जाता है। इस शो के क्रिएटर हैं विंस गिगलिन। विंस गिगलिन से एक बार किसी ने पूछा कि भैया आप कोई भी सीन लिखते वक्त क्या बात दिमाग में रखते हो? इस पर उनका जवाब था कि मैं अपने कैरेक्टर्स को ऐसी सिचुएशन में डालता हूं जिसे देखकर दर्शकों को भी टेंशन हो जाए, कैरेक्टर का स्ट्रेस दर्शक भी फील करें, मैं अपने दर्शकों को भी डिस्टर्ब करता हूं। अब यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि एनिमल देखते वक्त मुझे थ्रू आउट गिलिगन का वो फॉर्मूला दिखाई दिया। फिल्म के राइटर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा आपको लगातार डिस्टर्ब करते हैं, वो अपने कैरेक्टर से ऐसी रॉ बातें बुलवाते हैं कि आप सोचने लगते हैं कि यार कोई इतना ब्लंट कैसे हो सकता है।
जैसे एक सीन में रणबीर की वाइफ उसे सेड्यूस करने के लिए नाइटी पहनकर आती है, जिसे देखकर रणबीर कहता है, ये सब क्या है, तुम्हारी किस सहेली ने तुम्हें ये आइडिया दिया है, मुझे टर्न ऑन करने के लिए ये सब करना नहीं है तुम्हें, तुम बस चुटकी बजाओगी और मैं रेडी हो जाऊंगा। या एक और सीन जिसमें रणबीर की डॉक्टर उससे पूछती कि तुम्हारी सेक्स लाइफ कैसी है, और वो पलट कर उस वक्त चिढ़ा हुआ बैठा होता है, पलट कर उसी लेडी डॉक्टर से पूछता है कि पहले तुम बताओ तुम्हारी सेक्स लाइफ कैसी। ऐसे एक नहीं कई सारे सीन्स हैं जो आपको सरप्राइज करते हैं, हंसाते हैं, एम्बैरेस भी करते हैं, मगर वो सारे सीन रणबीर के कैरेक्टर से बाहर नहीं है और यही फिल्म की स्ट्रेंथ है। अब जो लोग इन सब बातों पर मोरालिटी का झुंझुना बजा रहे हैं, मैं उनसे भी कुछ जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। ये वो लोग हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि ऐसी फिल्में देखकर यूथ बिगड़ जाएगा। सच में ऐसी बात नहीं, सुनकर मेरे को हंसी आती है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ये कौन सा यूथ है जो सिनेमा और रियल लाइफ में फर्क करना नहीं जानते। बताइए भाई, फिल्म को अडल्ट सर्टिफिकेट मिला है, 18 साल से कम उम्र का आदमी ये देख नहीं सकता। और मैं पूछना चाहता हूँ कि 18 साल तक आपके माँ बाप ने आपको वैल्यूज दी है, आप स्कूल में गए हो, वहाँ जाकर आपने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, सीखी हैं, खुद अपने लेवल पर सोसाइटी को आपने ऑब्जर्व किया है, जब ये लोग और आप खुद 20-25 साल तक अपनी कोई सोच नहीं बना पाए हो, तो क्या 3 घंटे की एक फिल्म आपको गुंडा या संत बना देगी क्या? फिल्मों में अगर इतनी ही ताकत होती तो लगे रहो मुन्ना भाई को देखकर क्या पूरा देश गांधीगिरी पर उतर आया क्या? हेलो, आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसा होता तो हर जगह आपको वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं दिखते। अगर फिल्में समाज को बदलने वाली होती तो लगे रहो मुन्ना भाई तो अब तक देश का कैरेक्टर ही बदल देना चाहिए था, जो कि नहीं बदला। और जिस समाज के बिगड़ने का डर आपको सता रहा है, आइए उसकी रियलिटी भी चेक कर लेते। फैक्ट ये कि भारत में 70% से ज़्यादा औरतें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम में हम दुनिया में सबसे आगे। क्या ये सारी अचीवमेंट्स हमने एनिमल आने के बाद हासिल किए क्या? क्या ये पिछले एक हफ्ते का फिगर है? बिल्कुल नहीं, ये आंकड़े सालों पुराने हैं। हमें समझना होगा कि सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं। फिल्में भी चूंकि सोसाइटी के इन्हीं लोगों पर ही बनती हैं, तो वही लोग और कैरेक्टर आपको फिल्म में भी दिखाई देंगे। अब ये सच है कि मूवी में आपको चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर दिखानी होती हैं, और तो थोड़ा एग्जैजरेट तो करना ही पड़ता है। मगर अगर आप ये कहें कि नहीं नहीं सोसाइटी में तो एनिमल जैसे कैरेक्टर हैं ही नहीं, तो इससे बड़ा जोक और कुछ नहीं हो सकता। और अब एक आखिरी बात, और यही मेन बात, सिनेमा का प्राइम काम क्या होता है? एंटरटेन करना। एंटरटेन करते हुए मैसेज भी अगर दिया जाए तो बड़ी बात है, लेकिन जिन प्रोफेशन का तो बेसिस ही मोरालिटी है, उसमें भी मोरालिटी कहाँ दिखती है? अगर हमारे पॉलिटिशियंस डेवलपमेंट की बजाय इमोशनल इश्यूज पर चुनाव लड़ें तो क्या ये मॉरल है? अगर हॉस्पिटल्स इलाज की बजाय सिर्फ मरीजों से पैसे लूटने पर फोकस्ड हो तो क्या ये प्रोफेशन से गद्दारी नहीं है क्या? हेलो, अगर स्कूल कॉलेजेस पढ़ाई से ज़्यादा माँ बाप को अलग अलग खर्चों के नाम पर लूटने पर ध्यान दें तो क्या ये बेईमानी नहीं है? क्या ये पाप नहीं है? और अगर ये सब पाप है तो नैतिकता का और मोरालिटी का सारा बोझ, सारा जिम्मा क्या एक फिल्म मेकर ही उठाएगा क्या? वो भी वो फिल्म मेकर जिसका बुनियादी काम वैसे भी नैतिक संदेश देना नहीं है, एंटरटेन करना है। और आज के टाइम में जो कंटेंट के नाम पर इतना कूड़ा कचरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है और वहीं पर हमको कोई एंटरटेन कर रहा है, तो क्या वो कम है? वैसे भी ये देखने वाले पर डिपेंड करता है कि वो फिल्म में देखना क्या चाह रहा है। कुछ लोगों को मूवी में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिखी, कुछ लोगों को वायलेंस दिखी, मुझे फिल्म में एक बेटे का बाप के लिए प्यार दिखा। एज अ फादर फिल्म को देखकर मैंने खुद से भी ये सवाल किया कि मैं भी कहीं ऐसा फादर तो नहीं है जो अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा। मैं जानता हूं कि मैं देता हूं, मगर फिल्म देखकर एक बार तो हमने खुद से ये सवाल पूछा ही होगा, हर एक पिता ने। मेरे लिए फिल्म में बाप बेटे का रिलेशन, बाप के प्यार को तरस रहे बेटे का दर्द ही उसका असली मैसेज है, उसकी असली सीख है। बाकी मेरा मानना है कि मोटे तौर पर फिल्में मॉरल या इमोरल नहीं बल्कि अच्छी या बुरी होती हैं। उस लिहाज से एनिमल एक वेल मेड फिल्म है जिसमें रणबीर की एक्टिंग शानदार है, फिल्म का स्क्रीन प्ले बढ़िया है, डायलॉग्स अच्छे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक तो फैंटास्टिक एक नंबर, सबसे बढ़िया BGM ही है। फिल्म में कुछ कमियां भी हैं मगर वो माफ की जा सकती है। इसलिए मेरा मानना है कि फिल्म को मॉरल या इमोरल की बहस में पड़े बिना देखिए। जैसे हर किसी के सर्कल में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कुछ भी बोल जाते हैं, हो सकता है आप वैसा न बनना चाहें, उनकी हर बात से अग्री भी न करें, मगर वो एंटरटेनिंग होते हैं, आपके दोस्त हैं तो आप उनको साथ रखते ही, छोड़ थोड़ी ना देते। इस फिल्म को भी वैसे ही लीजिए, जरूरी नहीं है कि इसके कैरेक्टर की मोरालिटी से आप अग्री करें, मगर वो अगर मजेदार है वो तो मजे लीजिए और घर जाइए, ज्यादा लोड मत लीजिए। मुन्ना भाई देखकर अगर देश गांधी नहीं बन गया था तो एनिमल देखकर लोग राक्षस भी नहीं ना हो जाएंगे। बताइए, फिल्म देखिए, मौज बनाइए, वैसे भी लाइफ में बहुत स्यापे हैं, कहां फिल्म को लेकर लोड देंगे, है कि नहीं? बाकी इस वीडियो पर या इस फिल्म पर आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा। और ओपिनियन देकर अगर आप ढेर सारे पैसे जीतना चाहते हैं तो प्रोबो ऐप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ₹25 का ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। एनिमल मूवी हो या इंडिया साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज, कई सारी कैटेगरीज के कई सारे सवाल हैं, सिर्फ हाँ या ना में ओपिनियन दीजिए प्रोबो ऐप पर और ढेर सारे पैसे जीतिए। वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों से जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप फिल्म से अग्री करते हैं, फिल्म को हेट कर रहे हैं या फिल्म को लव कर रहे हैं, रणबीर का कैरेक्टर अच्छा है या बहुत ज्यादा बकवास है, ऐसी फिल्म बहुत ज्यादा घटिया है, ऐसी फिल्म भारत में बनी ही नहीं, या फिर ऐसी फिल्म भारत में पहले क्यों नहीं बनी। जिस भी ओपिनियन को मानते हैं प्लीज जरूर शेयर करिएगा, फेसबुक पर देखिए, हमारे पेज को भी जरूर लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बार बार बोलता हूँ, आज भी बोलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते, जय हिंद। अर्जुन